गाइस गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग में है नेपाल टू इंडिया ट्रैवल। अभी मैं जा रहा हूँ टिकट लेने घर के लिए, गांव के लिए, गांव जा रहा हूँ छठ में। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ये बस पार्क तो आ गया हूँ देखिए, लेकिन टिकट मिला नहीं। नारायणघाट के बस में टिकट नहीं मिला है। अब दो तीन और बस है, आने वाली है चरीकोट से, देखते हैं क्या होता है। सब देखिए कहाँ आ गए, रास्ते में अभी रुके हुआ है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुका हुआ है। भाई भाई शहर से गांव छठ के लिए हम जा रहे हैं। अभी एकदम भीड़ है भाई, एकदम बहुत ही भीड़ है आज बस में, बहुत भीड़ है आज बस में। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, काठमांडू के रास्ते में है। काठमांडू से ये आने वाली रास्ता है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं खनिया खरका, ये रास्ते में खनिया खरका है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक जुनार मिलता है, मौसमी एक अलग कैटेगरी का सुंदरला का है जुनार नेचुरल। और अब आगे चल रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर अंग्रेज नेपाली आर्मी से, गोरखा आर्मी से हार चुका है। यही वो जगह है जहाँ पर नेपाल में विजय नहीं मिला ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को। सिंधली गढ़ी इस जगह का नाम है। सिंधली प्रवेश द्वार है, मैं आ गया हूँ अभी सिंधली बाजार। बस मुझे चेंज करना पड़ा है घर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंधली में कुछ काम था। ये आ गया हूँ अभी मैं बाजार से, कुछ काम था इसलिए मुझे रुकना पड़ा है। दोनों लोगों से मिलना था फिर जाऊँगा घर। बस मुझे चेंज करना पड़ा इसलिए, क्योंकि एक दो दिन से मिल रहा है। ठीक है आगे देखिए, सीट मिल गया है ऐसे प्रतिवास हल्के। गाड़ी मस्त है दोस्त। ये जो काठमांडू के रोड में पूर्व से पश्चिम चलने वाली गाड़ी है, हाइस लग्जरी गाड़ी है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट गाड़ी है, कोई भी इस पर चढ़ सकते हैं। और कम से कम भाड़ा किराया है इसका, बहुत ही मस्त गाड़ी है, बिल्कुल लग्जरियस कार के जैसे है, बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग चढ़ते हैं इसमें। ठीक। और ये रास्ते का नज़ारा है देखिए, कितना अच्छा नज़ारा है। सिंधली और बर्दीवास के बीच में, सिंधली से जब आते हैं तो रातों कोला नदी पार करने के बाद ये जंगल है,
और यहाँ बीच में 5 मिनट के लिए लोग रुकते हैं, गाड़ी वाले जो भी हैं अपना रिफ्रेश मतलब फ्रेश होते हैं, और इसी के लिए अभी रुके हुए, फिर अब आगे यहाँ से चलते हैं। ए बर्दीवास, बर्दीवास आ गए। गाड़ी में डीजल खत्म हो गया है, डीजल भर रहा है गुरे से। ये ढलकेवर है, ढलकेवर आ गए हैं हाइस से उतर करके। इधर ये रास्ते चली जाती है विराटनगर काकरभिट्टा पूर्व, ये सीधा जनकपुर, और ये काठमांडू नारायण घाट। बिरारी चौक जनकपुर धाम, जनकपुर। ये आ गए हैं अब जनकपुर कमरेले, और यहाँ से अब जाना है घर, घर के लिए चलेंगे बाइक से, ठीक है। देखिए चढ़ गया हूँ बाइक पर, और ये है रामानंद चौक जनकपुर धाम। तो अब जा रहे हैं घर बाइक से, यहाँ से जनकपुर से घर। अब ये हेलमेट पहन लिया हूँ और अब चल रहा हूँ, पेट्रोल भरा लिया है और चल रहा हूँ। ये देखिए जनकपुर, देखिए जनकपुर का पोखर कैसे सजा हुआ है, जानकी मंदिर के पास है। देखा अच्छा सजा हुआ है, तो मैं रुक गया हूँ ये जानकी मंदिर के पास, वो पोखर है तालाब है, वो कैसे सजा हुआ है। देखिए देखिए अब मैं आ गया हूँ अपने घर में, और ये देखिए सोनाक्षी है और क्या खा रही है, की खाई छी है। घर में आ गए हैं, ये माँ है, ये धुआं देता है, ये आ गए हैं घर में, अभी जस्ट आए हैं। ये देखिए ये पैर छूके प्रणाम कर रहे हैं, खुशी रह खुशी रह। गोरला खुशी रह खुशी रह, देखिए खुशी रह खुशी रह। अच्छा भागली भागली, खुशी रह खुशी रह खुशी रह। गज अब हो गई है रात, अब सोने का टाइम हो गया है, आ गया हूँ मैं अपने घर पर छठ मनाने के लिए, और आपका प्यार जरूरी है
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो में जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए। आपका प्यार, यही मैं आपका आशीर्वाद, प्यार जो भी है समझूंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग।